नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ये जैसे आपको पहले पता है कि मैं कुछ सूत्र बता रहा हूँ ज्योतिष के, जो प्रेडिक्शन में बहुत अच्छे रहेंगे, तो उसका पार्ट फोर है। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो भी पाप ग्रह होते हैं, चाहे मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, इनकी दृष्टि हमेशा अशुभ होती है, चाहे वो कितने ही अच्छे घर के स्वामी क्यों ना हो कुंडली में, चाहे वो कुंडली में योगकारी ग्रह भले ही ना हो, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा ही अशुभ रहेगी। जिस भाव पे वो दृष्टि डालेंगे उस भाव की हानि करेंगे। और जो शुभ ग्रह होते हैं, जो पुण्य वाले ग्रह होते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह जो होते हैं, जिनको गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध बोलते हैं, वो जहाँ भी दृष्टि डालेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे हमेशा, चाहे वो कुंडली के अंदर भले ही अशुभ भावों के स्वामी क्यों ना हो। अब इसमें एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट आती है कि दृष्टि में भी फर्क पड़ जाता है। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सुख भाव है आपका, ये सुख भाव है चौथा भाव, यहाँ पे शनि बैठा है और यहाँ पे मंगल बैठा है। तो जाहिर सी बात है कि सुख भाव पे दो पाप ग्रहों की दृष्टि है, शनि भी खराब करेगा, मंगल भी खराब करेगा चौथे भाव को, मतलब हानि करेगा उसकी, शनि भी हानि करेगा, मंगल भी हानि करेगा, लेकिन दोनों की दृष्टि में फर्क है। ये बात आप ध्यान रखिए, इससे आपको प्रेडिक्शन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। शनि अगर दृष्टि डालता है तो हो सकता है किसी को लंबी बीमारी दे दे, घर के अंदर कोई लंबी ऐसी प्रॉब्लम दे दे जो देर तक चलने वाली प्रॉब्लम है। मंगल इस घर पर दृष्टि डालता है तो हो सकता है कि वो इस घर में लड़ाई झगड़ा करवाए, वाद विवाद करवाए, क्योंकि मंगल जो है उसके स्वतंत्र कारकत्व हैं, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, इस तरह के कारकत्व उसके मंगल के आ जाते हैं। तो जब मंगल आपका यहाँ दृष्टि डालेगा तो हो सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो कि कोई लड़ाई झगड़ा घर में हो जाए, कोई मारपीट घर में हो जाए, और शनि दृष्टि डालेगा तो हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई लंबी बीमारी किसी को हो जाए, कुछ हो जाए। इसी प्रकार से गुरु और शुक्र को देख लीजिए आप, गुरु और शुक्र की दृष्टि में फ़र्क है। गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो गुरु जहाँ दृष्टि डालेंगे उस भाव में वो थोड़ा रिलीजियस टाइप का भाव बना देंगे, स्पिरिचुअल बना देंगे, उसके अंदर वो थोड़ी धर्म की भावना आपके अंदर करेंगे, आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपको धन भी देंगे, लेकिन आपकी इच्छा होगी कि धन में सदमार्ग में चल के कमाऊँ। अगर धन भाव पे गुरु दृष्टि डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गुरु हैं और यहाँ पे शुक्र हैं, तो गुरु की यहाँ सातवीं दृष्टि पड़ती है तो धन भाव में, धन भाव की वृद्धि करेंगे, तो धन भाव की वृद्धि करेंगे तो वो थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट में करेंगे, यानी आप धन कमाएंगे, अच्छे से कमाएंगे, धर्म के रास्ते में चलते हुए कमाएंगे, ईमानदारी से धन अर्जन करेंगे, तो आपका ये होगा। शुक्र इस भाव पे दृष्टि डालेगा तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र है दैत्यों गुरु। शुक्र दृष्टि डालेगा तो आप इस धन को बहुत ऐश्वर्य में लगाएंगे, हो सकता है कि धन आप थोड़ा गलत तरीके से भी कमा लें, मतलब सदमार्ग पे चलते हुए ना कमाएं, थोड़ा आप गलत तरीके से भी धन को कमाएं, तो ये भी पॉसिबिलिटी। धन तो दोनों दे रहे हैं, वृद्धि तो दोनों ही कर रहे हैं, गुरु वृद्धि कर रहा है, शुक्र भी वृद्धि कर रहा है, लेकिन गुरु वृद्धि कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, शुक्र वृद्धि कर रहा है थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ, क्योंकि शुक्र जो है दैत्यों में गुरु है, तो वो बताता है येन केन प्रकरण, आपको जो है धन कमाना है, धन कमाइए आप और ऐश्वर्य में खर्च कीजिए। गुरु कहता है कि आप धर्म कमाइए, सदमार्ग पर खर्च कीजिए और धर्म के रास्ते पर खर्च कीजिए। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ग्रहों की दृष्टि हम जब लेते हैं तो उन ग्रहों के कारक क्या हैं, उन ग्रहों की क्वालिटी क्या है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कि ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया कि आपको बताया कि पाप ग्रह की दृष्टि, पाप ग्रह खराब होती है, तो आपने कहा कि मंगल की दृष्टि है तो नुकसान करेगी, ये शनि की दृष्टि है तो नुकसान करेगी। क्या करेगी नुकसान, वो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि मंगल की दृष्टि, मंगल किस चीज़ से कारक है, शनि किस चीज़ से कारक है, शुक्र किस चीज़ से कारक है, या गुरु किस चीज़ से कारक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, ये मैं सूत्र बता रहा हूँ आपको सारे, जो प्रेडिक्शन में आपको याद रखने हैं। कोई भी भाव बलि कब होगा, भाव बलि जब होगा जब भाव का स्वामी वहाँ बैठा हो, भाव का स्वामी वहाँ बैठा हो, लॉर्ड वहाँ पे हो, स्वामी वहाँ बैठा हो। दूसरा, स्वामी की वहाँ पे दृष्टि हो,
क्योंकि किसी भाव पे अगर किसी भाव के स्वामी की दृष्टि होगी तो जाहिर बात है कि वो अपने भाव को बिगड़ने नहीं देगा। तो भाव वही मजबूत कहलाते हैं जिस भाव में उसका स्वामी बैठा होता है या जिस भाव पे उसके स्वामी की दृष्टि होती है। अगर ये दोनों ना हो तो शुभकर्तरी में हो, शुभकर्तरी योग में हो। शुभकर्तरी का मतलब क्या होता है? देखिए, शुभकर्तरी का मतलब होता है कि दोनों ओर शुभ ग्रह होना। यानी जैसे ये भाव है, इसका हम देख रहे हैं, इस भाव की हम देखना चाहते हैं कि ये बलि है क्या है। तो मान लिया कि यहाँ चंद्रमा बैठा है और यहाँ गुरु है और यहाँ शुक्र है, तो आप ये देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ पे उच्च की राशि में बैठा हुआ है तो भाव बलि है। चंद्रमा की दोनों ओर शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह। देखिए, कहते हैं ना कि पड़ोसी अगर अच्छे होंगे तो आपको बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। अगर आपके दोनों साइड में डाउन टाइप के पड़ोसी आ गए तो जाहिर बात है कि थोड़ी प्रॉब्लम आपको बीच में रहेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उसके अंदर आप उनसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके इधर भी कोई ऐसा पड़ोसी है, आपके इधर भी कोई ऐसा पड़ोसी है, तो आप हमेशा हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ साइड वाला पड़ोसी बहुत अच्छा आता है, बहुत धर्म के मार्ग पर चलने वाला आता है, बड़ा होशियार इंटेलिजेंट विद्वान आता है, और दूसरी साइड के अंदर भी पड़ोसी बहुत विद्वान आपका होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपकी विद्वता बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम किसी भाव को देखें कि उस भाव के दोनों ओर कौन से ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह बैठे हैं या नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हैं। अगर पाप ग्रह बैठे होते हैं दोनों साइड में तो उसे पाप कतरी योग बोलते हैं, अगर दोनों ग्रह शुभ बैठे हैं दोनों साइड में तो उसको शुभ कतरी योग बोलते हैं। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ये शुभ कतरी योग या पाप कतरी योग एक भाव को बिगाड़ सकता है पूरे। अगर किसी भाव के दोनों ओर पाप ग्रह बैठे हों तो भले ही भाव कितना अच्छा क्यों ना हो तो वो भाव की स्थिति खराब हो जाएगी, भाव आपका निर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। चौथा भाव कि वहां पे कोई उच्च का ग्रह बैठा हो। जैसे हमने बताया कि भाव दो में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, तो ये भाव बहुत बलि हो गया। तो ये उच्च का ग्रह का मतलब इससे क्या है कि कोई भी ग्रह बैठा हो, इवन शनि बैठा हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि शनि जो है नैसर्गिक अशुभ ग्रह है तो वो होगा, शनि हो भले ही लेकिन अपनी उच्च की राशि में बैठा हो वहाँ पे, तो वो भाव बलि कर देता है। कोई भी ग्रह अगर अपनी उच्च की राशि में बैठा होता है किसी भाव में तो उस भाव को बलि कर देता है। तो ये चार चीज़ें होती हैं जो भाव के बलि के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है प्रेडिक्शन के अंदर। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना होगा, हमेशा देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, एक इसमें सूत्र है कि केंद्र के स्वामी अगर लग्नेश के मित्र हों, केंद्र के स्वामी अगर लग्नेश के मित्र हों तो योगकारी ग्रह होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा है कि त्रिकोण वाले ग्रह योगकारी होते हैं, ये चीज़ पढ़ा है, लेकिन केंद्र के स्वामी भी योगकारी हो सकते हैं इन केस वो लग्न के मित्र हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आपका ये शनि है, ये दसवां और ग्यारहवां, ये शनि पे एक भाव तो दस नंबर है, यानी एक भाव केंद्र का भाव है। तो क्या शनि मंगल का, ये लग्न के भाव का स्वामी लग्नेश हुआ मंगल, शनि मंगल से मित्रता रखता है? शनि मंगल से मित्रता नहीं रखता। तो इसका मतलब शनि इस कुंडली के लिए योगकारी ग्रह नहीं है, शनि इस कुंडली के लिए प्रॉब्लमेटिक ग्रह है। अगर यही शनि इस मंगल का दोस्त होता तो इस कुंडली के लिए अच्छा करना चाहता, क्योंकि मित्र के लिए सब करना चाहते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेसिकली आपके लग्न के लिए करा जा रहा है, कुंडली के अंदर हर भाव रिजल्ट दे रहा है लग्न के लिए, आपके लिए। तो आपकी अच्छाई वही करेगा जो आपकी आपके लिए शुभ है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, वो हमेशा आपका अच्छा करना चाहेगा। अगर मित्र ही गड़बड़ करने में आ गया फिर तो कुछ नहीं कह सकते, फिर तो कुंडली बेकार हो गई एकदम ही। लेकिन नॉर्मल केसेस में यही है कि जो आपका मित्र है वो आपकी सहायता करना चाहेगा, वो आपको धन देना चाहेगा, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केंद्र के स्वामी अगर लग्नेश के मित्र हों तो वो भी योगकारी कहलाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि 6, 8 और 12 भाव का स्वामी, इनका स्वामी होना हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है।
क्योंकि बताया किसी कुंडली में 6, 8, 12 जो भाव होते हैं वो हमेशा कठिनाइयों के भाव होते हैं, और जब भी 6, 8, 12 का जिक्र आता है तो हमेशा आदमी की आंखें खड़ी हो जाती हैं कि यार पता नहीं इस कुंडली में क्या प्रॉब्लम आ गई। लेकिन यदि कोई ग्रह ऐसा हो जिसकी एक राशि 6, 8, 12 भाव में हो, किसी में भी हो, चाहे 6 में हो, चाहे 8 में हो, चाहे 12 में हो, और दूसरी राशि त्रिकोण में हो, तो वो शुभ बन जाता है। अगर दूसरी राशि उसकी किसी त्रिकोण के अंदर आ गई तो वो ग्रह शुभ ग्रह हो जाता है, मतलब वो ग्रह आपकी कुंडली के लिए योगकारी हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ पर बुध की एक राशि 6 भाव में है लेकिन दूसरी राशि कहाँ है, 3 भाव में, तो 3 भाव तो अच्छा नहीं होता। 3, 6, 11 भाव, 6, 8, 12 भाव, ये सारे भाव अशुभ भाव कहलाते हैं, तो ये तो अच्छे नहीं माने जाते। त्रिकोण के भाव, केंद्र के भाव अच्छे भाव माने जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये भी नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखिए 9 बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति के पास एक राशि इसकी 12 भाव में बैठी है, 12 भाव में, यानी कि हानि वाले भाव में बैठी है, जो थोड़ा संघर्ष वाला भाव है उसके अंदर बैठी है, बट दूसरी राशि उसकी त्रिकोण में है, इसलिए बृहस्पति इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह हो गया, अच्छा ग्रह हो गया, इस कुंडली में फायदा पहुँचाएगा बृहस्पति। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि वो जो एक तो ये कि जो भी केंद्र के स्वामी आपके लग्न के मित्र हों वो योगकारी होते हैं, और ऐसे ग्रह भी योगकारी होते हैं जिनकी एक राशि 6, 8, 12 में हो लेकिन दूसरी राशि उनकी आपकी त्रिकोण में हो। अगर किसी ग्रह की एक राशि 6, 8, या 12 में पड़ गई और दूसरी राशि मान लिया 3 नंबर में या आपकी 8, 11 नंबर में कहीं पर पड़ती है, तो समझ जाइए कि वो ग्रह आपकी एस्थेसी करने के लिए बैठा हुआ है। तो इसलिए ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा प्रेडिक्शन में ध्यान देनी है, ध्यान रखेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको आगे भी नेक्स्ट वीडियोस में ये सब चीज़ें आगे बताता रहूँगा, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताऊँगा आपको कि आप सुन के खुद ही हैरान हो जाएंगे कि कितनी चीज़ों को सिंपल रूप से कर दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये सब पसंद आ रहा होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।